रायबरेली के नजदीक एक गांव है, ताधकपुर गांव। ये गांव स्मार्ट गांव की लिस्ट में शामिल हो चुका है। ये गांव जो अपने आप में बहुत विकसित है। दरअसल इस गांव के प्रधान हैं कार्तिकेय वाजपेयी। कार्तिकेय वाजपेयी की ये तारीफ है कि उन्होंने 17 साल के अपने अथक श्रम और परिश्रम से, अपने प्रयासों से इस गांव को स्मार्ट गांव बना दिया है। कार्तिकेय वाजपेयी की इसे लेकर हर जगह तारीफ होती है और लोग कोशिश करते हैं, सरकारों का भी इस ओर ध्यान है कि इस तर्ज पर और भी गांवों को विकसित किया जाए। साफ सुथरा वातावरण, गांव में हर घर का अपना शौचालय, प्राप्त बिजली व्यवस्था और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से गांव की निगरानी। देखने में ये किसी शहर से कम नहीं है, लेकिन ये रायबरेली का तौधकपुर गांव है। गांव के बाशिंदे ग्राम प्रधान से मिल रही इन सुविधाओं का आज दिल से स्वागत करते हैं, और यही वजह है कि आज कोई भी खुले में शौच करने से ग्रामीणों को रोकता भी है। आनंद स्मार्ट गांव हो गया क्या? किस लिए? विकास हो रहा है। शौचालय की क्या व्यवस्था है? अच्छी, सामने देख लीजिए, बने पूरे गांव में। पूरे गांव स्मार्ट गांव, यहां सब लोग शौच बाहर नहीं जाते हैं, खुले में सबके घर में शौचालय है। यह हमारे यहाँ कैमरे की व्यवस्था है। यही नहीं, स्वच्छ भारत अभियान को सही दिशा देने के लिए गांव के प्रधान साहब ने बिजली के खंभों पर सीसीटीवी कैमरों के साथ लाउडस्पीकर लगवा रखे हैं। खुले में शौच करने पर यहां जुर्माना है। नियम इतने कड़े हैं कि स्वयं प्रधान कार्तिकेय वाजपेयी रोजाना सुबह शाम इन कैमरों से मॉनिटरिंग खुद ही करते हैं। ये हमारे छोटे भाई ने हमें प्रेरित किया कि गांव का सबसे पहले तो विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय अच्छा किया जाए, जिससे जो अपर लेवल के लोग हैं वो तो अच्छी गुणवत्ता परक शिक्षा अपने अपने बच्चों को प्राइवेट और कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। जो निम्न स्तर के लोग हैं वो अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए, तो उन्हीं से वो होके फिर हम लोग सब लोग इसमें जुटे कि अच्छा से अच्छा पहले विद्यालय किया जाए। फिर विद्यालय अच्छा किया गया, फिर उसके बाद सीडीओ साहब के सहयोग से गांव को ODF घोषित किया गया। प्रधान साहब द्वारा ये कदम पिछले 17 सालों से किया जा रहा है। लालगंज ब्लॉक के 3500 लोगों की आबादी वाले इस गांव में आज 242 शौचालय हैं। दरअसल ग्राम प्रधान साहब को गांव में स्वच्छता और बेहतर सुविधा देने की प्रेरणा अमेरिका में रहने वाले अपने भाई से मिली है। विदेश में रहकर गांव के खस्ता हालातों को देख दोनों भाइयों ने पिछले 2 दशकों से गांव को सुधारने का जिम्मा उठा रखा है। आज गांव में हर घर शौचालय है। गांव आज हर व्यक्ति के सहयोग से इतना अच्छा गांव बन पाया है। इसमें सुबह शाम भजन होती है, महात्मा गांधी जी के गीत गाए जाते हैं, और जो CCTV कैमरे में कोई भी खुले में शौच के लिए जाता है तो उसका अनाउंसमेंट किया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति खुले में शौच क्रिया के लिए नहीं जाता है। ये प्रधान साहब के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज ग्रामीणों की जुबान से भी तौधकपुर को स्मार्ट शहर कहा जा रहा है। कार्तिकेय वाजपेयी के प्रयासों को देख आज जरूरत है हर ग्राम प्रधान को इनसे सीख लेने की, ताकि सरकार की योजनाओं को सही दिशा और दशा मिल सके। रायबरेली से असद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली NCR में ठंड का प्रकोप जारी है। ये ठंड दरअसल बह रही है पहाड़ों से, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। इसका असर दिल्ली समेत NCR समेत पूरे उत्तर भारत में भी देखा जा रहा है। सर्द हवाओं ने